हेलो दोस्तों, नए लेक्चर में आपके सामने हाजिर हैं हम। इस लेक्चर में हम प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। लेकिन इस वीडियो को समझने से पहले आपके जहन में ये सवालात होने चाहिए कि पेपर में, आपकी कंप्यूटर साइंस पेपर में इस तरह के सवाल आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पेपर में सवाल आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, पहला सवाल। या फिर ऐसा हो सकता है, डिफाइन फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। या फिर इस तरह, डिफरेंशिएट प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी विद एग्जांपल्स। इन सारे सवालात का एक ही आंसर है और आपको वो नेक्स्ट स्लाइड में समझ में आ जाएगा। प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो मेन डिफरेंसेस हैं वो दर्ज ज़ेल हैं। नंबर वन, प्राइमरी मेमोरी, इसको हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी सेकंड नंबर पे टेम्प्ररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर होती है, और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास परमानेंट मेमोरी होती है किसी भी कंप्यूटर डिवाइस में। प्राइमरी मेमोरी फास्ट एक्सेस टाइम, इसका फास्ट एक्सेस टाइम होता है, इसको जल्दी से, इसकी प्रोसेसिंग जल्दी हो जाती है, और सेकेंडरी मेमोरी में स्लो एक्सेस टाइम होता है। चौथे नंबर पे, ये स्मॉलर इन साइज एंड कैपेसिटी होते हैं, ये छोटे होते हैं साइज में और किसी भी कार्ड स्लॉट में एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो साइज में बड़े होते हैं और इनकी कैपेसिटी भी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये टेराबाइट्स पिकोबाइट्स में इनकी साइज होती है, जबकि प्राइमरी मेमोरी गीगाबाइट्स में, मतलब कि 2 GB, 8 GB, 16 GB और 32 GB, इस तरह की साइज़ में आते हैं। प्राइमरी मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन करता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के साथ, इस वजह से इसका एक्सेस टाइम भी ज़्यादा होता है। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी है वो डायरेक्टली CPU के साथ कम्युनिकेशन नहीं करता, बजाय ये प्राइमरी मेमोरी को एक्सेस करता है और प्राइमरी मेमोरी पर जाके CPU के साथ इंटरेक्शन करता है। प्राइमरी मेमोरी सिक्स डिफरेंस ये है कि प्राइमरी मेमोरी एक्सपेंसिव होते हैं, ऑल्दो ये स्मॉलर होते हैं साइज में, लेकिन ये एक्सपेंसिव होते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी हमारे पास प्राइमरी मेमोरी से चीपर होते हैं, सस्ते होते हैं। प्राइमरी मेमोरी सातवें नंबर पे इसकी डिफरेंस है कि ये वोलेटाइल इन नेचर होते हैं। वोलेटाइल इन नेचर का मकसद ये है, जिस तरह पॉइंट नंबर 2 में डिस्कस किया कि टेम्प्ररी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, जब कंप्यूटर को टर्न ऑफ करते हैं, कंप्यूटर को स्विच ऑफ करते हैं, तो इसमें जो रनिंग प्रोग्राम है वो सारे वॉश हो जाते हैं, लेकिन जो इसका रोम वाला पार्ट है उसके प्रोग्राम्स वॉश नहीं हो जाते, क्योंकि रोम एक ऐसा स्टोरेज है प्राइमरी मेमोरी में जिसमें आपकी बूटअप प्रोसेस या ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, एम्बेड होता है, और वो कंप्यूटर के शट ऑन करने से वॉश आउट नहीं होता। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी ये नॉन वोलेटाइल इन नेचर, इसका डेटा सेम रहता है, परमानेंट होता है। ये हार्ड डिस्क, फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, जब हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो हमारे पास जो बैकअप हार्ड डिस्क है या पोर्टेबल हार्ड डिस्क है, उसका डेटा उससे उड़ नहीं जाता, वॉश आउट नहीं हो जाता। तो प्राइमरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं रैम और रोम। इसी तरह सेकेंडरी मेमोरी की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं, USB फ्लैश ड्राइव्स हैं, CD-ROM है, DVD-ROMs हैं, DVDs हैं, इस तरह ब्लू रे डिस्क है, ये सारे हमारे सेकेंडरी मेमोरी के एग्जांपल्स हैं। अगले लेक्चर में हम रैम और रोम के मेन डिफरेंसेस बताएंगे, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगले लेक्चर में एक टॉपिक है, वो ये है कि डिफरेंट किस्म की रैम्स और डिफरेंट किस्म की रोम्स वो कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं और उनकी कंप्यूटर में क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं। उम्मीद है आपको सारे सवालात की जवाबात इस लेक्चर में भी मिल होंगे और अगले लेक्चर में भी आपको कुछ सवालों के जवाबात मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।